यस ओम शांति एंड गुड इवनिंग. सभी सीधा होकर बैठे. ओम चैंटिंग फॉर 6 मिनट्स विल बी डूइंग. ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए. ज्ञान मुद्रा ले. हथेलियां ऊपर की तरफ. कमर पीठ गर्दन सीधी. ध्यान दोनों ही आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर. स्टार्ट. ओ Oh.
रिलैक्स, शो के साथ रहें। 6 मिनट के ओम चैंटिंग के बाद भारी मन शांत होने लगता है। बीटा फ्रीक्वेंसी दिमाग की से वी गो टू अल्फा, जिसको मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत पहले वीडियो शेयर करो वाला, जो मेडिटेशन का है ना, वो शेयर करो प्लीज, और आवाज उसको मत रखना, मैं बोलूंगा उसको कमेंट्री। यस प्लीज शेयर द स्क्रीन। सभी अपने साथ रहें जी, आईज क्लोज्ड, मैं बोलूंगा तब खोलना आंखें। सभी एकांतवास का, अंतर्मुक्ता का अनुभव करें सभी। प्रारंभिक अवस्था है ध्यान की, ये भाई जी वीडियो तो आया, शेयर किया नहीं आपने? किया है, देखो दो अटैचमेंट है उसमें, दो अटैचमेंट है उसमें। देखा आपने? नहीं तो मैं भेजू फिर से। हाँ रीसेंड कीजिए, मुझे मिल नहीं रहा। नहीं रीसेंड अभी मोबाइल से नहीं होगा वो, मैं देखता हूँ। सभी सभी प्लीज साइलेंस में रहो। भाई जी ओनली पिक्चर्स में, वीडियो नहीं है। ये सभी धीमे से आंखें खोलें। प्लीज ओपन योर आईज। यस, वीडियो शेयर नहीं हुआ है क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये सब चीजें पहले ही चेक करनी होती हैं, लेकिन एंड टाइम पे अगर हम जाएंगे तो दे ऑलवेज पुट अस इनटू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एनीवे, कल हम देखेंगे इसको। यस, सबसे पहले आज हम लेने जा रहे हैं तीसरा चक्र, तीसरा ग्लैंड जिसको हम कहते हैं
जलंधर बंद, राइट। बंदास कितने होते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट। बंदास कितने होते हैं, तीन बंदास, बोलो क्रम से नीचे से ऊपर। मूलबंद, उडियान बंद, जालंधर बंद। मूलबंद, उडियान बंद और जलंधर, राइट। तो उड़ियान बंद जो है हम अगले सेशन में लेंगे, पहले मैं जलंधर बंद लेता हूँ। खाली पेटीज का अभ्यास करना होता है और बिना किसी क्वालिफाइड योगा योगा टीचर के ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। जो लोग योग का अभ्यास करते ही नहीं है, उनको कोई प्राणायाम नहीं आता है, आसनास नहीं करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि एडवांस प्रैक्टिस योगाज में ये बंधास इंटरलॉकिंग्स, जहां ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं, कुछ एरियाज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने से वहां पर ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है, राइट। अब भावना शेयर करो, जलंधर बंद इज द, इसको हम कहते हैं थ्रोट चक्र को हम लॉक करते हैं, गले को, राइट। भावना स्क्रीन शेयर करो प्लीज। अभी एक के बाद एक हम स्क्रीन से पहले समझ जाएंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। ये देखो सबसे पहले पहले स्क्रीन, एक एक करके भावना बड़ा करके जाओ स्क्रीन। इस स्क्रीन में दिखाया गया है इस पोजीशन में, फाइनल स्टेज में, अब ध्यान से देखें इस पोस्चर को, साधक जो मूलबंद लगाकर बैठा है उसकी बाहें बिल्कुल सीधी हैं, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, शोल्डर्स ऊपर और आगे की तरफ झुके हुए, चिन फुली डाउन, राइट। फिर से बताता हूं मैं, आप अभी फीमेल के फिगर, फीमेल के पिक्चर में देखें, वापस यहाँ थोड़ा हाईलाइट इन करो भावना प्लीज। यस, यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये बहन जी ने जब बंद लगाया हुआ है, जलंधर बंद, नंबर वन इसकी दोनों बाहें बिल्कुल सीधी, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, इनके कंधे ऊपर और आगे की तरफ झुके हुए, चिन फुली डाउन। कहाँ लगाना है चिन को वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये पोस्चर क्लियर हुआ, हाउ यू शुड लुक। आप चाहें तो अगर कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, तो आपकी दोनों बाहें कहाँ होगी, जंगा के मध्य में, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं। अगर आप कोई भी आसन में कर रहे हैं, सुखासन, शुद्धासन, सिद्ध योनि आसन, कोई भी आसन में, तो उसमें आपकी बाहें जो है घुटने पर होगी, ओ सॉरी हथेलियां। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? दिस इज फाइनल पोस्चर ऑफ, दिस इज फाइनल पोस्चर ऑफ, राइट। क्लियर हुआ ना अभी, राइट जी, जी। अभी एक मिनट भावना, यहीं पर रहने दो, यहीं पर ही रहने दो, यहीं पर ही रहने दो। यस, अभी जो है ना, जलंधर बंद का अर्थ क्या होता है, बहुत सारी नाड़ियों का समूह है, प्राणिक ऊर्जा जहां बहती है और बहुत सारी नाड़ियां मिलती हैं, उस जंक्शन को कहा जाता है चक्र, राइट। और वहां पर ही हम बंद लगाते हैं, राइट। सेकंड पोस्चर दिखाओ भावना, सेकंड पोस्चर, यह सेकंड पोस्चर दिखाओ प्लीज। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। देखिए सेकंड पोस्चर में दिखाया गया है जलंधर बंद, मतलब नेटवर्क ऑफ नाड़ीज, बहुत सारे नाड़ियों का समूह है हमारे शरीर के अंदर। मैंने बताया था पहले 72,000 नाड़ियां होती हैं, और उसमें से 11 बहुत इंपॉर्टेंट, 3 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर विशुद्धि चक्र गले के पास आता है, ये विशुद्धि चक्र, यस, थोड़ा हाईलाइटिंग किया भावना बहन ने, राइट। अग्ना चक्र जो है ऊपर की तरफ है, ये विशुद्धि चक्र है, और यहाँ पर जो है लगाया जाता है जालंधर बंद। जालंधर बंद मतलब बहुत सारे नेटवर्क है जो नाड़ियों का, उसको हम दबा के रखते हैं, कॉन्ट्रेक्शन उसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा आगे जाओ ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, थोड़ा हाईलाइटिंग करो तीसरे सीन को भावना प्लीज। ये देखो इसको कहते हैं कैरोटिड साइनसिस। कैरोटिड साइनसिस जो है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, सबसे बड़ी आर्टरीज जो दो पार्ट में आगे बढ़ जाती हैं, और कैरोटिड साइनसिस जो है ना, ये ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, और ये हमारे ब्लड प्रेशर को
मेंटेन करती हैं, राइट। इनको जब हम दबाते हैं, इनको जब हम दगाते हैं, कैसा करते हैं मैं आपको सारा प्रैक्टिस में बताऊंगा, तो ये क्या करती हैं, इनका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, इनका जो स्टिमुलेशन होता है, वो सुचारू से अपना काम करना, कैरोटिड साइनेसिस जो है शुरू करती हैं, और उसकी वजह से दो सिस्टम्स हमारे बहुत ही ज्यादा सुचारू रूप से चलने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैरोटिड बॉडीज आर द कैरोटिड आर्टरीज, राइट। जिनको भी कोई भी तकलीफ, पहले दिखाया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम से श्वसन मार्ग प्रणाली, राइट, बहुत ज्यादा काम करता है ये बंद किस पर, हमारे श्वसन मार्ग प्रणाली पर, राइट, जिसमें फेफड़े, ट्रकिया, नजल्स में कई पार्ट्स आते हैं हमारे, नीचे डायफ्राम दिखाया गया है, ये पूरा जो है डायफ्राम, देखो नीचे फेफड़ों के नीचे डायफ्राम दिखाया गया है, राइट। और सेकंड ये काम करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरा सर्कुलेशन ब्लड का जो पूरे बॉडी में होता है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ये दोनों पर इसका विशेष जो प्रभाव पड़ता है इस जलंधर बंद का, यस प्लीज, किसके लिए इम्पोर्टेंट है अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जिनको है ना एक्सेसिव म्यूकस आता है, समझो जिनको रैनिटाइज मतलब नाक लाल हो जाता है, नाक में बार बार जो है नाक बहना शुरू होता है, राइट, बार बार सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है, या जिनको है ना यही म्यूकस अगर हमारे चेस्ट में ज्यादा जमा होगा तो इसको फैलम कहते हैं, बलगम, राइट, जिनके अंदर ही ज्यादा एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, उनको बार 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 इम्यूनिटी लो कम होने की वजह से उनको सर्दी होती है, जुकाम होता है, फिर रैनिटाइज मतलब ये नाक लाल हो जाता है, या फिर इसमें फैलम फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है, इन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, यस, ये सबसे ज्यादा काम करता है थ्रोट पर, गले पर, राइट, सबसे ज्यादा काम करता है कहाँ पर, ये थ्रोट पर। थ्रोट में क्या होता है, थायराइड, बाजू में दिखाया मैंने थ्रोट, मतलब यहाँ पर अगर आप बड़ा करेंगे तो इसमें दिखाया गया है कि ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हेल्दी थ्रोट दिखाया गया है, हेल्दी थ्रोट, लेकिन अगर हमारे गले में सूजन है तो आप देख सकते हैं राइट साइड के पिक्चर में वो किस तरह रेडिश हो जाता है, और जिनके गले में सूजन होती है, गला बैठ जाता है या दर्द होता है गले में, ये इसका मतलब है कि वहां पर जो है ना इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वहां पर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हमारे गले में होने लगते हैं, राइट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, गले का दर्द, थायराइड प्रॉब्लम होता है, यस, यहां पर स्लाइड दिखाया गया है जिसमें दो पिक्चर्स हैं, वन थोड़ा छोटा करो, एक ही पिक्चर दिख रहा है, दो पिक्चर्स स्लाइड में, राइट। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बार बार शूट होता है, राइट, या फिर जिनको थोड़ा ही काम करने में वो लोग हांफने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं सांसें बहुत जिनकी भारी हो जाती हैं, मतलब थोड़ा ही काम किया ना मुंह खुल जाता है, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, मतलब देयर ब्रीदिंग बिकम्स क्वाइट एरेटिक, या फिर ये कह सकते हैं कि हार्ट रेट, दिल की धड़कन जिनकी बढ़ जाती है, तो क्या होता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके लाइफ में आने लगते हैं। ये सारे मैं क्या बता रहा हूँ कि जलंधर बंद के फायदे कहाँ कहाँ होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले मैंने दिखाया ऊपर, और सर्कुलेटरी सिस्टम बताया, तो हार्ट का जो है रेट बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल में रखता है ये जलंधर बंद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तनाव में जब इंसान आता है, राइट, मिसमैच बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड, जिंदगी आपके अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल सिचुएशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेस, पहले मैंने बताया था आपको कई बार बताया, स्ट्रेस मतलब बाहरी परिस्थितियां, उसके नीचे होता है डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक जगत की अगर आप सशक्त करोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर दो बहुत ही जिनका स्ट्रेस रहता है लाइफ में, दे आर ऑलवेज
ऑफ वेरी एंगर नेचर. लेफ्ट हैंड साइड में पहला पहला चित्र दिखाया गया है एंगर, राइट. राइट साइड दिखाया गया एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से एंगर, एंगर की वजह से एंग्जाइटी, या एंग्जाइटी इटसेल्फ इज ए सेपरेट डिजीज ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम. और उसके नीचे दिखाया गया एरोगेंस. एरोगेंस मतलब अपने जैसा किसी को कुछ समझना नहीं, जिसको ना बोलते हम लोग कि बहुत ज्यादा शाना समझती है या शाना समझता है खुद को, राइट. आगे एटीट्यूड, एग्जैक्टली, यस. ऊपर जाओ अभी भावना. ये शरीर के सारे फायदे हमने देखे हैं यहाँ पे. अब हम देखेंगे एक ऐसी स्क्रीन जहां पे हम योग से बाहर के योग से अंदर के योग तक जाते हैं. भावना थोड़ा स्क्रीन नीचे लो, थोड़ा नीचे लो स्क्रीन, थोड़ा हाईलाइटिंग करो स्क्रीन को. यस, वेरी गुड. देखो ऊपर जो दिखाया गया है ना, ऊपर पतंजलि का अष्टांग योग दिखाया गया है, अष्टांग योग, राइट. अष्टांग योग दिखाया गया है जिसमें पतंजलि ने योग को 8 अंगों में बांटा है. यम, नियम, उसके बाद आता है आसन, मतलब बॉडी का स्टडी पोस्चर, प्राणायाम, मन का कंट्रोल. उसके बाद आता है प्रत्याहार. प्रत्याहार मतलब जब हम बाहर से अंतर जगत को जाते हैं तो हमें क्या करना होता है. प्रत्याहार मतलब हम जब तक बाहर के आकर्षणों से अपने आप को मुक्त नहीं कर लेते हैं, वी कैन नॉट डू मेडिटेशन. जैसे योग और भोग एक मियान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकती. अगर आपको जिंदगी का सब भोग भी भोगना है और योग भी करना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, या फिर योग करते करते आपका जो भी अट्रैक्शन इंद्रियों का, आंख नाक कान जीभ त्वचा का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है. तो जो साधक है वो अंतर जगत में सुख लेना शुरू करता है. लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रीन को थोड़ा हाईलाइटिंग करो भावना. प्रत्यार के बाद में धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग बताया पतंजलि ने. ये देखिए प्रत्यार बता रहे हैं. प्रत्यार, प्रत्यार मतलब वेन अ साधक वॉन्ट्स टू गो इन द वर्ल्ड विद इन, जो अंतर जगत में प्रवेश करना चाहता है. तो ये पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम. यम 5 बताया मैंने, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, किसी की चोरी न करना, अपरिग्रह. अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह किया जाए तो भी मन को डवाडोल करता है. और नियम 5 है पतंजलि के अनुसार, वो है शौच, साफ सफाई, षटकर्मा योग में शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान. शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान. उसके बाद आता आसन. आसन करते हैं हम फॉरवर्ड बैकवर्ड, शरीर के सारे रोगों से ठीक होते हैं. और मेडिटेशन में हम शरीर को लंबे समय तक स्थिर रख सकते हैं. वही पर्पस है पतंजलि ने आसनों का बताया. प्राणायाम से मन कंट्रोल होता है, राइट. नाउ प्रत्याहार मतलब गोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल योग टू इंटरनल योग, राइट. इसको हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज. अब साइड में दूसरा स्लाइड, उसी स्लाइड में साइड में जो है ना भावना, वो हाईलाइटिंग करो. यस. और इसको जब आपने क्रॉस किया, जैसे ही बाहरी इंद्रियों का आकर्षण धीरे धीरे कम होता चला जाता है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, परचिंतन, लड़ाई, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, क्याउस, रजनमेंट्स, इनमें ही व्यक्ति उलझा रहता है. लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ध्यानस्थ होने लगता है, मेडिटेशन करने लगता है, तो क्या होता है, उसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है ध्यान का, कि समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं, राइट. मेडिटेशन का अर्थ ही होता है मेडरी वर्ड से, मीन्स हील थाइसेल्फ. अगर मेरा तन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है, बॉस का तकरार होती है, तो हर तरह का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, वो तरक्कियां हमारी होने लगती हैं. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. यस, यहां पर दिखाया गया है 25 द थ्रोट चक्र. इस जलंधर बंद को लगाने से हम गले के एरिया में संकुचन करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, इंटरनल लॉक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये थ्रोट चक्र जो है ना, अगर बिगड़ गया ना तो कोई थायराइड हो सकता है, गला सूज सकता है, आवाज आपकी जो है ना वो बैठ सकती है, गले में दर्द हो सकता है, आप बोल नहीं पाते हो बराबर, स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, हकला के कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है इफ यूर इस फिर थायराइड चक्र इज नॉट बैलेंस. तो 25 करता है ये इस चक्र को. यस, और नीचे आओ भावना, कम डाउन. ये यहाँ चक्र दिखा है, ऊपर से तीसरा चक्र,
थायराइड नंबर देखा सभी ने, भावना थोड़ा ऊपर लो, भावना थोड़ा ऊपर लो, थोड़ा ऊपर लो, नीचे नीचे, आई एम सॉरी नीचे लो, नीचे नीचे, यस। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है सभी को, थायराइड, थायराइड जो है ना ये गले के बीच में रहता है, बराबर सर। ये दूसरा आ गया फोटो, नहीं नहीं वही है, वही है, नहीं जो नीचे वाला है ना, जो मैंने बोला है उसने सही किया, आप सब देखो जो दिख रहा है वही देखो, फोटो बराबर मुझे जो दिख रहा है सभी को ही दिख रहा है। ये यहाँ पर ऊपर से ऊपर चक्र होता है सहस्रार, बाद में होता है सेकंड चक्र जो होता है अग्ना चक्र, भ्रकुटी के मध्य में, यहाँ स्रोत के पास दिखाया गया तीसरा चक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, चौथा है अनाहद चक्र हृदय स्थान के पास, पांचवा है रम जिसका मंत्र है मणिपुर चक्र, और उसके आता है स्वाधिष्ठान, और सबसे नीचे नीचे होता है मूल चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र। तो यहाँ पर समझ आया ऊपर से तीसरा चक्र होता है ये, राइट, यस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, यस। हमारे अंदर जो नॉट्स बनते हैं, ब्रह्म ग्रंथि सबसे नीचे नीचे बनती है मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र का कनेक्शन ब्रह्म ग्रंथि से होता है जो तमस का केंद्र है। नीचे के चक्रास में अगर व्यक्ति रहता है यानी जी ब्लॉक्ड है तो फिर वो विकर्म और विकर्म करते रहता है, विकारों में रहता है, राइट। विष्णु ग्रंथि हृदय के बीच में दिखाई गई है, विष्णु ग्रंथि, करेक्ट। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, लाव, जब ये चक्र कुपित होता है ना तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के अंदर अहंकार ज्यादा आ जाता है, ओके समझ आया सभी को, इज दिस क्लियर टू यू। रुद्र ग्रंथि मतलब मेरा कुछ ऐसा मेंटल पैटर्न, इट इज मेनली कनेक्टेड विद द मेंटल एक्टिविटीज, विशुद्धि चक्र विद द लव एंड द लोअर चक्र विद द वाइसेस, विकारों से ग्रस्त रहता है। तो ऊपर ऊपर जो रुद्र ग्रंथि बताई गई है वो एक्चुअली जो है ना उसका मेंटल पैटर्न से होता है, मेंटल पैटर्न मतलब किसी एक ही तरीके से मैं बिहेव करती हूँ, वेरी एरोगेंट नेचर, वॉट एवर इट इज, राइट, यस। आया समझ में सभी को यहाँ तक, क्लियर हुआ सभी ये स्लाइड्स, कुछ अगर पूछना है भानो ये स्लाइड निकाल दो अभी ये। जी सर, yes, सही, यस सर। सर ये जो तीन ये दिए हुए हैं मूलाधार में और सेंटर में और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र मतलब ब्रह्मा ग्रंथि, रुद्र, हाँ रुद्र, रुद्र जो शिव बाबा को रुद्र बोलते हैं ना, इसका कनेक्शन थर्ड आई चक्र से होता है ना, तीसरी आंख है ना। तो अभी तीन तीन है ये, पहला है जो है वो हम आगे बात करेंगे, कौन सी ग्रंथि उत्पत्ति का केंद्र है, कौन सा नीचे वाला चक्र, मूलाधार चक्र, ब्रह्मा से उत्पत्ति, ब्रह्मा का स्थान है वो, विष्णु मास्टर पालनहार और मरगट के देवता शंकर, ओम अ उ म, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, जी सर, राइट। अभी हम चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ, ये जो हम जलंधर बंदे है ना वो एक्चुअली हम सेपरेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा इसका कहाँ पर होता है, जब हम तीनों ही बंधास को एक साथ लगाते हैं, व्हेन वी कलेक्टिवली अप्लाई ऑल थ्री बंधास, मूल बंध, उड़ियान बंध और जलंधर बंध, ये तीनों ही बंधास अगर हम साथ में लगाते हैं, जो एडवांस प्रैक्टिस है प्राणायाम की वो भी हम देखेंगे, तीसरा चक्र, तीसरा जो है उड़ियान बंध समझने के बाद में, राइट। उसके बाद में जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है, इसको प्रॉपर अप्लाई करना, राइट, कौन इसको नहीं कर सकते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है नंबर वन, जिनको गर्दन में दर्द है, जिनको स्पोंडिलाइटिस है, या जिनको चक्कर आता है जिनको, है ना। देखो नंबर वन, इफ यू गॉट सर्वाइकल पेन यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसमें गर्दन को आगे झुकाना होता है, स्पोंडिलाइटिस ऑफ कोर्स कनेक्ट विद द नेक एरिया वो भी नहीं कर सकते हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा, यू कैन नॉट डू, करोगे तो आपको तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी, और जिनको फेंटिंग होता है, जिनको चक्कर आता है वो भी इसको नहीं कर सकते, लेकिन अगर करोगे ना तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं ये,
ऑल दिस राइट। अभी हम चलते हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं तो फिर वो लोग कैसे ठीक होंगे? पहले जो है ना गर्दन नहीं कर सकते तो पहले तो क्या है, गर्दन का अभ्यास आता है, नेक एक्सरसाइज आती है, वो आप करो राइट। दूसरा जिनको चक्कर आता है तो पहले उसको थोड़ा लोड ऑन करना पड़ेगा ना, डॉक्टर दवाइयां देते हैं उसकी, लेकिन उसके बाद जो भी मैंने डिफिकल्टीज बताई हैं वो अगर ठीक करके आप इसको करोगे तो नेचुरली ही, क्योंकि सिर्फ ये जो है अपना जलंधर बंद एक एक एस्पेक्ट नहीं है योग का, बहुत सारी चीजें आसनास हैं, प्राणायामास हैं, मेडिटेशन है, गुड कंडक्ट है, एथिकल बिहेवियर है, ये सारे भी हमारे ग्लैंड्स को और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और चक्रास को बैलेंस करते हैं, मैंने बताया ना आपको, ये भी करते हैं। पर क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट है जलंधर बंध ना, तो वील स्पेशली हैव टू टेल यू कि कौन से लोग इसको नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? सर ये ना लगाने से ना जलंधर बंद मैं करती हूँ प्रैक्टिस कई बार, तो इससे खांसी बहुत आती, गले में ना खिंचाव सा होता है, खांसी आने लगती है। पहले तो है ना आप पहले सीख लो अभी राइट टेक्निक क्या है, अगर कोई भी ऐसी बात, क्योंकि मैंने बताया कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और सर्कुलेटरी सिस्टम पर राइट। अगर हम इस प्राणायाम को, इस बंधा को लगा रहे हैं और खांसी आती है, मतलब खांसी एक इंडिकेशन है कि आपके सिस्टम में कुछ न कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में खराबी है राइट। तो पहले आप दवाइयां लेके खांसी को दूर करो, या तो फिर भस्त्रिका प्राणायाम आता है खांसी के लिए, सूर्य मुद्रा आती है खांसी के लिए, है ना, खांसी के लिए बहुत सारे इलाज आते हैं, उसमें हम आज नहीं जाएंगे, तो उसको पहले ठीक करो। वैसे नहीं खांसी वैसे नहीं आती, लेकिन जब बंद लगाओ तब आती है। तो अभी क्या है, सबसे पहले आप बराबर देखो, आप लगाते हैं सही है, सही लगाते हैं, मैंने तो देखा नहीं है, आप बताओ कैसे लगाते हैं, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ यू पुट जलंधर बंद, बताओ मुझे, सांस लेके बताओ, थ्योरी 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 बताओ थ्योरी। सर सांस लेके पूरी सांस छोड़ देते हैं पहले, फिर धीरे धीरे वो मूल बंद लगाते हुए, फिर उद्यान बंद पेट का भी अंदर बिल्कुल करते हुए, और फिर ये धीरे से यहाँ से इसको टच करते हैं, फिर ये लगाते हैं नीचे से, तीनों बंद लगाते इकट्ठे, मतलब सांस छोड़ पहले सारी सांस छोड़ दी। 100% गलत है, 100% हम बात कर रहे हैं जलंधर बंद की, आप बात कर रहे हैं तीनों बंदास की राइट। जी मेरी योगा तो मैम पहले, नहीं योगा मैम टीचर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही टीचर्स मिलना उनको, टीचर्स को खुद ही नहीं आता है, बता रहा हूँ मैं तो इतनी पढ़ाई करता हूँ मैं, जी जी जी, आज मेरे को 33 साल हो गए, 33 ईयर्स मैं योगा में इस मास्टर आदमी हूँ, आज भी पढ़ाई करके बैठा हूँ, ठीक है, नहीं बैठता मैं यहाँ पर, आई स्टडी, मैं कई सारी वीडियो देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, इसका मतलब क्या उसका मतलब क्या, आज जो मैंने स्लाइड बनाए मुझे बनाने को 2 घंटे लगे, 2 घंटे 2 hours I have taken to prepare these slides। देखो अभी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ क्या है, देखो सबसे पहले पहले आप अगर चाहो ना तो इसको, वैसे तो मैं कल सारा शेयर करूंगा आपको ये इसका थियरी, लेकिन स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन स्टेज जो है ना, सबसे पहले पहले आप किसी भी आधार आसन में बैठो, नंबर वन स्टेज, टेक अप एनी पोजीशन, अगर नहीं बैठ सकते आप कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने आप को पहले किसी आसन में सेट करो, कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको सबसे पहले पहले क्या करना है, आपको अपने दोनों हथेलियां, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों हथेलियां जंगा के पास ऐसे करके जंगा के सेंटर में रखो, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं तो आप जंगाओं को ऐसा करके जंगा के मध्य में आप ऐसा रखोगे, बराबर। नंबर वन, अगर आप सुखासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, अर्धपद्मासन बैठे हैं, स्वस्तिकासन में बैठे हैं या सिद्धासन बैठे हैं तो आप दोनों हथेलियों को कहाँ रखोगे, घुटनों पर। जब आप किसी एक पोस्चर में बैठकर जलंधर बंध लगा रहे हैं तो आपको हथेलियों को कहाँ रखना है, यस यहाँ पर बिंदु बहन रखी है, बिल्कुल परफेक्टली है, और आपके अंगूठे जो है ना बिंदु बहन अंदर की तरफ होने चाहिए, अंदर की तरफ अंगूठे, अंदर की तरफ अंगूठा, अंदर की तरफ, यू शुड फेस योर बॉडी, ओके। ये हुआ, पहले टेक एनी कंफर्टेबल पोस्चर, दोनों ही हथेलियों को आप प्लेस करो राइट, और कंफर्टेबली आपकी बाहें इस वक्त थोड़ी सी मुड़ी रहेंगी, भाई बहन तीसरे में आपका ये देखो ये एडम्स एप्पल है, यहाँ पर सभी उंगली रखो, गले के पास भी उठा हुआ पोर्शन, उठी हुई हड्डी है एक, एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल, इसको पहले है ना थोड़ा
थोड़ा ऊपर निकलना, पहले देख लो पहले, समझ लो पहले, लिख लो पहले, एडम्स एप्पल को ऊपर करो, थर्ड स्टेज है एडम एप्पल अप, लिखो सभी एडम एप्पल अप, राइट एडम एप्पल अप, राइट। इसके बाद आप चिन ऊपर करो, लिखो फोर्थ स्टेज है चिन अप, चिन को थोड़ा ऊपर उठाओ, राइट चिन अप करो। बाद में चिन को आपको क्या करना है, नीचे ले जाना है और कहां फंसाना है चिन को, ये देखो जुगुलर नॉच, छाती का गड्ढा, जुगुलर नॉच, ये सभी है ना, यहाँ देखो जो हमारे स्टर्नम बोन है ना, खड़ी हड्डी, उसके ऊपर में एक गड्ढा बनता है, उसको हम कहते हैं जुगुलर नॉच। देखा सभी को, पहले मैंने क्या बताया, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल मतलब जो हड्डी है ना सॉफ्ट पोर्शन में गले की, वो है ये, और यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है खड़ी हड्डी, उसके ऊपर एक गड्ढा होता है जिसको कहते हैं जुगुलर नॉच। यहाँ पर आपको अपने चिन को फंसाना है, चिन को चेस्ट के साथ जोर से लगा के रखना है, राइट। उसके बाद पांचवी स्टेज क्या है, चिन अप, जुगुलर नॉच में फंसाओ, चिन को टाइट करो चेस्ट के सामने, राइट। अब बाहों को सीधा कर लो, बाहों को सीधा करो, स्ट्रेट आर्म्स, बाहों को सीधा करने से क्या होगा बताओ मुझे, जब बाहों को सीधा करोगे ना तो आपका पोस्चर जो है ना, पोस्चर जो है थोड़ा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, राइट। उसके बाद में शोल्डर्स अप एंड फॉरवर्ड, कंधों को ऊपर उठाओ, थोड़ा आगे ले जाओ, शोल्डर अप एंड फॉरवर्ड, शोल्डर्स अप एंड फॉरवर्ड, हंच बोलते उसको हम, शोल्डर्स अप एंड फॉरवर्ड, बराबर। सांस को रोक के रखो। अब जब रिलीज करने का समय आता है ना, तो जो चीज सबसे लास्ट में अप्लाई किया था उसको पहले अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लास्ट में किया था, अभी करो मत, पहले सुनो, जल्दबाजी मत करो, पहले आप सुन भी जा रहे हैं, करते भी जा रहे हैं, इतने टैलेंटेड नहीं है हम लोग, अंडरस्टैंड दिस, मैं कराऊंगा ना आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, कंधों को ऊपर उठाया था, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, राइट। तो सबसे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कंधों को पीछे ले जाओ, राइट, कंधों को थोड़ा लूज करो, उसके बाद बाहों को लूज करो, चिन को ऊपर करो, राइट, चिन को ऊपर करो, और फिर धीरे से सांस को बाहर निकालना है, स्लोली ब्रीद आउट। देखो फिर से बताता हूँ, नंबर वन, एनी पोस्चर, जो बैठे हैं अभी, चाहे जमीन पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या फिर आप सोफे पर बैठे हैं, राइट। अगर आप सोफे पर या कुर्सी बैठे तो आपकी हथेलियां कैसी होगी, ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ उंगलियां और आपका अंगूठा अंदर की तरफ, जंगा के मध्य में इसको लूज करके रखेंगे, टाइट अभी नहीं करोगे, राइट, टाइट अभी नहीं करोगे। फिर मैंने क्या बताया, ये एडम्स एप्पल जो है ना, इसको थोड़ा बाहर निकाल, बाहर निकाल इसको, और फिर आप उसके बाद क्या करोगे, एडम्स बाहर निकल में आप है ना चिन को थोड़ा आगे लोगे, टेक द चिन इन द फ्रंट ऑफ, इसको ना जुगुलर नॉच में फंसाना है, जुगुलर नॉच में फंसाना है जोर से, और ये सब बहुत ही फास्ट होगा, ये इतना टाइम नहीं रहेगा, आप सांस रोक नहीं पाओगे। और उसके बाद में आपको शोल्डर्स को आगे लाना है, और शोल्डर्स को जो है ना ऊपर और आगे की तरफ बेंड करना है, क्लियर हुआ आपको, राइट, क्लियर हुआ ना। और जब आप इसके बाद होता है सांस को छोड़ना, सारे लॉन्ग्स को खोलना पड़ेगा, आपने पहले कंधों को टाइट ऊपर और आगे की तरफ मोड़ा है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपको जो है पहले कंधा रिलीज किया, सीधे बैठे, उसके बाद जो है ना आपने बाहों को लूज किया, चिन को लूज किया, गर्दन को ऊपर लाया, और फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। ये सारे के सारा अभ्यास आपको सांस को लेने के बाद तुरंत अप्लाई करने हैं। ये सारे जो एक्शंस होंगे ना, वो आपके आपके जो है इसमें होंगे, सांस जब आपकी रुक जाएगी ना, पहले सांस को लेना है स्लोली, जब हमने लॉक नहीं लगाया ना, लॉक लगा के आप सांस नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट आप पोजीशन ले लो, आसन ले लो, हथेलियां सेट कर लो, राइट, और बॉडी ऑफ कोर्स स्ट्रेट रहेगी, धीरे धीरे सांस को पहले पूरा भरना है, स्लोली 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 फुल ब्रीद इन, जैसे ही ब्रीद इन हो जाता है ना, आप फटाफट है ना क्या करोगे, ब्रीद इन करने के बाद में आप है ना, ये देखो पहले इसको चिन को ऊपर ले लो, और फिर नीचे जुगुल नॉच में फंसाओ, पहले देख लो ध्यान से, कोई भी नहीं करेगा, इसको फंसाओ, बाहों को टाइट कर दो, सांस रुकी हुई है, राइट। अब
जब आपको लगता है कि इसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको क्या करना है, सांस को छोड़ने के पहले सबसे पहले आपके जो कंधे हैं पीछे ले जाओ और रिलैक्स करो, चिन को ऊपर उठाओ, टेक द चिन अप, और उसके बाद में आपको क्या करना है, धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे ये सब करने के लिए, तो आप सांस को बंदाज में, सांस बंद करके, सांस को बाहर छोड़कर हम अप्लाई कर रहे हैं जलंधर बंद को, वो आपका टाइम ऐसा नहीं को पूरा सब लगाने में चले जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ये क्या करना है। देखो सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, एनी कंफर्टेबल पोजिशन, बाहों को अपनी जगह पर रखो, अगर आप कुर्सी पर सोफे पर बैठे हैं तो हथेलियों को आप कहाँ रखोगे, जंगा के मध्य में, राइट। उसके बाद ये आपकी पोजिशन, ऑफकोर्स बॉडी को स्ट्रेट करना ही है सीधे, क्योंकि हम प्राणायाम कर रहे हैं ना, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें बंदा लग रहा है, तो बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, राइट। पहले सीधा होके बैठो, आसन में बैठो, कुर्सी पे बैठो, सोफे बैठो, और उसके बाद दोनों हथेलियां प्लेसमेंट कर दो, अगर आप आसन में बैठे हैं तो जंगाओं पर, सॉरी घुटनों पर, नहीं तो जंगा के मध्य में, राइट। अब आपने धीरे धीरे करके ध्यान से सुनो, और धीरे धीरे सांस को आपने भरा, सांस को जैसे ही आपने रोका, रोका तो क्या होना चाहिए, फटाफट आपका चीन जो है ना, ध्यान से कोई मत करना भी, फटाफट आपका चीन जो है ना जुगल नॉट में, छाती के गड्ढे में डालो, दोनों बाहों को सीधा करो, कंधों को थोड़ा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मोड़ो, सांस आपकी रुकी हुई है, लॉक्स पूरा लगा हुआ है, जलंधर बंद, और फिर धीरे से आपको क्या करना है, बाहों को लूज करो, शोल्डर्स को लूज करो, गर्दन को खोलो, और फिर ब्रीथ आउट विद साउंड, सांस को गर्दन से आवाज करते हुए हिसिंग साउंड में आपको सांस को बाहर ले जाना है। खाली पेट इसको करना है, भरा हुआ पेट तो आप नहीं कर सकते हैं, बीपी है तो नहीं कर सकते हैं, चक्कर आएगा तो नहीं कर सकते हैं, ऑस्मोसिस तकलीफ है तो आप ये बंद नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपने बड़े ध्यान से देखना, मैं कैसे पड़क कन थे, मैं सब लॉक्स लगा देता हूँ, स्टेज में चला जाता हूँ, कैसे फिर बाहर आता हूँ, और जो मेरी ब्रीद आउट हो गई ना वो भी एकदम ईजी होगी, आई कैन ईजली। अगर आप ज्यादा रुकोगे ना तो आप है ना सांस बाहर छोड़ नहीं पाओगे, और उसके बाद क्या होगा, सांस आपकी मुंह जाएगी, और यू नीड द एब्रप्ट नीड ऑफ द ब्रीदिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अभी मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं। सी, ये मैंने पोजीशन ले ली, हथेलियां लूज रखी, बाहें, राइट। अब मैं सांस भर रहा हूं पहले, सी आई विल बी डूइंग इट, अभी कोई करना मत, क्योंकि मैं इंडिकेशन आपको बताऊंगा कि अगर आपका जलंधर बंद सही लगा है तो उसका उसका जो है ना, मैं पिछले कई साल से जब से मैं सीखा है तो मैंने देखा है कि इसका क्या होता है ना, मैं अभी पहले अनुभव करूंगा फिर आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, सी नाउ स्लोली ब्रीद इन, सांस को भरकर आपने रखा था, सांस को छोड़ने के पहले आप चिल्ला को खोल दो, और फिर धीरे से घर्षण का आवाज करते हुए गले से सांस को बाहर निकालना है। अब आप बताओ इंडिकेशन क्या है, वो शायद किसी किताब में भी नहीं लिखा है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, नोट सफर किए, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है अपने क्लासेस में राइट फ्रॉम बिगनिंग, अगर आपका जलंधर बंद सही लगा है तो आपका जो लंबर का एरिया, क्योंकि स्पाइन इतना खिंचता है ना इसमें, आपका जो लंबर का एरिया है ना, कमर का एरिया, वहां पर थोड़ा सा आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, अगर वहां लंबर के एरिया में, कमर के एरिया में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है ना, मतलब आपका बंद जो है सही लगा है, आपने सारी जो टेक्निक्स है ना उसको बराबर फॉलो किया है। अगर आपका वहां पर खिंचाव नहीं आता है ना लोअर बैक में, जिसको लंबर एरिया कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। हो सकता है कभी आपको एकदम ना आए रिजल्ट इसका, लेकिन अगर आप सही करोगे तो आप देखोगे, अभी अगर किसको आ सकता है तो मुझे बताना, रेडी। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखो पहले कंफर्टेबल पोजीशन ले लो, अगर आप जमीन पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, तो कोई भी आधार आसन, दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर,
अगर आप पलथी अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं तो आपकी दोनों थलियां जंगाओं के मध्य में कैसी रहेगी, ऐसी। अगर आप घुटनों पे रख रहे हैं तो भी आप ऐसे करके घुटनों को पकड़ोगे, आपकी जो पांचों उंगलियां है ना वो अंदर की तरफ दिशा होगी। यस बिंदु, आप समझ रहे हैं बराबर? बोथ द फिंगर्स शुड फेस द इनसाइड ऑफ योर बॉडी, राइट? ऐसे आपको रखना है। उसके बाद में आपको वेरी स्लोली सांस को लेना है, वेरी स्लोली। कितने काउंट कर सकते हैं? 10, मैं 20 करता हूँ काउंटिंग। वेरी स्लोली ब्रीथ इन, सांस को रोको, ऑन द स्पॉट यू रोको, बाएं स्ट्रेट कर दो, राइट, चिन को नीचे करो, जुगुलर नॉच में फंसा उसको गड्ढे में। इस समय आपकी आपका सीना योद्धा के समान फूल जाता है। अगर आप देखो, अगर समझो मैंने जलंधर बंद लगाया है, ये देखो, और मेरा सीना जो है ना तना हुआ नहीं है, माय चेस्ट इज एक्सटेंड अप। देखो मेरा मेरा जो ये चिन है ना कहाँ जा रहा है, ये देखो, यू कैन चेक एंड शो यू। अगर मेरी चेस्ट अप नहीं है और मैंने जलंधर बंद लगाया है, ये देखिए मेरा चिन कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है मेरा चिन? खड़ी हड्डी में, स्टर्नम बोन, खड़ी हड्डी है ना, यहाँ से यहाँ तक खड़ी हड्डी के ऊपर मेरा चिन आता है, जो टोटली गलत है। आपको चिन को कहाँ लगाना है? छाती के गड्ढे में। छाती के गड्ढे में अगर आप लगाओगे तो तभी लगेगा जब अपने शोल्डर्स को फॉरवर्ड और स्ट्रेट रखा है आगे की ओर, और ऊपर ऊपर की ओर मोड़ा है और बराबर उसमें डाला है, दोनों हाथों को टाइट अगर करोगे ना तो आपकी पोजीशन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और फिर यू कैन अप्लाई दिस वन इजिली। इसके पहले के सांस टूटने लगे आप अपने लॉक्स को खोलो, मतलब शोल्डर्स को लूज करो, बाहों को लूज करो, चिन को ऊपर करो और फिर सांस भरो। क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर हुआ जी सर? यस सर, यस सर। अभी पेट अंदर लेना है। देखो पेट की बात मैंने किया ही नहीं है, बोला मैंने पेट नाम ही नहीं लिया है, मैंने नाम ही नहीं लिया है। दैट पेट को अंदर करोगे तो वो बिकम उड़ियान बंद, जो हमको अभी नहीं करना है। हम खास विशेष ध्यान कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं हम? जलंधर बंद, जलंधर तरफ। चलो सभी है ना, रिपीट करो दो राउंड, इनको रिपोर्ट देना, फिर आप उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। Yes. दो बार रिपीटेशन इनका हो गया, वो प्लीज बताइए मुझे, हाउ डू यू फील, पूरा हुआ कि नहीं? विजयलक्ष्मी आप बताओ पहले, कुड यू अप्लाई दिस बंद इजीली? मेरा आसानी से हो गया सर जी। वहां पे लंबर एरिया में थोड़ा खिंचाव महसूस हुआ आपको कमर में? हां जी भाई जी, हां जी भाई जी, हुआ खिंचाव महसूस। कुर्सी पे बैठी हूं ना तो ज्यादा नहीं महसूस हुआ। होता है, होता है, कुर्सी पे तो मैं भी बैठा हूं, होता है होता है, धीरे धीरे आकर के आएगा वो। अच्छे से सर, जितना आप स्पाइन को झूले से नीचे आ रहे हैं करते हुए नीचे। मेरे तो कंधों में थोड़ा दर्द हुआ भाई जी। कंधों में दर्द जो है ना, यहाँ हल्का सा क्यों हो रहा है आपको बताऊं मैं? क्यों हो रहा है मैं बताऊं? जो लोग योग का अभ्यास नहीं करते हैं, आसन नहीं करते हैं, प्राणायाम के फंडामेंटल जो प्राणायाम थे वो नहीं करते हैं, ये एडवांस की प्रैक्टिस है। ये आप डायरेक्टली अगर करोगे ना, अभी हमको तो कुछ नहीं होता, इतने सालों से करते हैं, वी आर डूइंग द योगासन एवरी डे, हर रोज करते हैं हम लोग, राइट? तो योगा की एडवांस प्रैक्टिस है ये बंधास। बंधास कब लगाए जाते हैं? व्हेन वी होल्ड द ब्रेथ इंटरनली और एक्सटर्नली, सांस को रोक कर रखा जाता है अंदर या बाहर, राइट? तब ये बंधास जो है एडवांस पार्ट है योगा, योगिक प्रैक्टिस का। तो जिनको थोड़ी भी तकलीफ हो रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो
मस्कुलर टोन है, चाहे वो शोल्डर्स हैं, चाहे वो नेक एरिया है, वो प्रॉपर नहीं है. हम लोग रोज करते हैं तो दे आर फुली टोन्ड अप, राइट. क्लियर हुआ सभी को ये? yes, अगर sir. नहीं yes, हो रहा है, दैट मींस वी हैव वी नीड टू डू द सम बेसिक सूक्ष्म व्यायाम करो ना, सूक्ष्म व्यायाम करो. कमर में दर्द तो हुआ पर सांस ज्यादा देर रोकी नहीं जाती. हाँ, रोकी नहीं जाती है, वो भी इसका कारण ये है कि रोकी क्यों नहीं जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है. देखो हम तो है ना सांस को लंबा गहरा ले ही नहीं पाते हैं. हर रोज कपालभाति में 33 साल से कर रहा हूँ, 33 इयर्स. आज भी मैंने सारे प्राणायाम करके मैं फैक्ट्री में गया हूँ. मैं जरूर करता हूँ, सारे प्राणायाम सीक्वेंस में करता हूँ. आज भी किया मैंने, बोली जैसे पूरी हुई, मेरा सुबह अभ्यास नहीं हुआ था, बहन ने आज बोला सारा वीडियो ओपन करके बैठो, ऐसे मुरली में नहीं बैठने का. तो मेरा तो है ना फोटो स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, वो लोग ऊपर स्क्रीन पे फोटो ले आते हैं, एवरीडी कैन सी मी. तो मैं तो आज कर नहीं सका, वैसे थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, आज कुछ नहीं कर सका पूरा मुरली में ध्यान. एवरीडी इज वॉचिंग मी, आई एम द मेन स्क्रीन, ऊपर में रहता है ना वो. भावना कैसा होता है, ऊपर कैसे जाता है ये भावना? जी भाई जी, ये ऊपर फोटो जो है ना स्क्रीन पर टीचर जैसे मुरली पढ़ा रही है, ऊपर फोटो वो लोग मेरा ले जाते हैं, वो मतलब क्या होता है, व्हाट इज दैट एक्चुअली? वो हाईलाइट एंड कर देंगे मेरी पिक्चर, हाईलाइट करते हैं ना, मतलब वो मेरा अकेले का पिक्चर वहां आता है कि सभी की स्क्रीन में आता है उनका फोटो? नहीं, अगर हम किसी को हाईलाइट करते हैं तो सबसे ऊपर उनका ही आता है. हां, तो आई एम लकी इनफ टू दे पुट माय पिक्चर्स इन द बो, हमेशा ही मेरा फोटो ऊपर ही रहता है. तो समझ आया सभी को भाई जी? yes, ये इतना कितनी बार लगाना चाहिए, कितने टाइम्स करना चाहिए दिन? एक तो पूरा खाली पेट होना चाहिए जी जी. और सबसे अच्छा है अगर आप इसकी अलग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना, तो बाह्य कुंभक में, बाह्य कुंभक एक ऐसा चौथा नंबर का प्राणायाम है जहाँ पर हम त्रिबंधाज लगाते हैं, सांस को बाहर छोड़कर है ना हम तीनों बंधाज लगा देते हैं, उसमें आपका सब आ जाता है. आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उसके शेयर ऑन रिपीट करने होते हैं, 2 मिनट का समय होता है भाई को, जिसमें आपके सारे बंदाज का प्रैक्टिस आपको हो जाता है. लेकिन अगर आपको थायराइड है, गले में सूजन रहती है, या तो फिर आपके स्टमरिंग है साउंड में, स्टमरिंग एंड साउंड में, या तो फिर ये कह सकते हैं कि वॉइस आपका ठीक नहीं है, राइट. तो इन सभी के लिए ये जलंधर बंद एक्चुअली अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए होता है. लेकिन अगर आप गले की शिकायत के रोगी हैं, आपको थायराइड है, गला आपका गले में इंफेक्शन हो जाता है, आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, तो मतलब इसका मतलब है यू आर डूइंग दिस योगा फॉर द क्योर. योगा इज बेसिकली फंडामेंटली फॉर द प्रिवेंशन, के हो ही नहीं. लेकिन योग कौन आता है योग करने के लिए? मैंने पहले ही कई बार बताया, योग वो लोग करने आते हैं जब उनका सब कुछ टूट चुका होता है, बीमार और बूढ़े और बुजुर्ग व्यक्ति योग में आते हैं. जवान तो योग करते ही नहीं, उनको बॉडी ट्रिमिंग चाहिए, बल्क मसल चाहिए, वो योग में बन सकती हैं. किसकी? रामदेव की भी नहीं है, रामदेव की मसल थोड़ी है, बोले नौली करता है या नौली चालन करता है, सब कुछ करता है, बहुत फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल तो रहेगा ही ना, उसका काम ही 24 घंटा यही काम करता है, तो हम भी करेंगे तो हम भी हो सकते हैं. ऑफ कोर्स बॉडी फ्लेक्सिबल है उसमें, नो डाउट इन दैट. वो तो उसका पेशा है ना, पैशन है वो उसका, रोजंदारी करेगा. ओके, समझ में आया सभी? कुछ सवाल पूछना तो पूछो. कितनी बार आपने ये बताया कितनी बार लगाना चाहिए? हाँ देखो, कितनी बार लगाना चाहिए, टिल द टाइम यू आर कंफर्टेबल. यू कैन रिपीट दिस फॉर अबाउट 5 काउंट्स अबाउट, क्योंकि ज्यादा शुरुआत में करोगे ना तो सांस, देखो आपने जब सांस को छोड़ा, कुड यू इजिली ब्रीद आउट? उसके बाद हाउ वॉज योर ब्रेथ, वॉज इट टोटली नॉर्मल? अगर आपने ब्रीद आउट करने के बाद में आपको एक सांस एड्रप्ट लेनी पड़ती है, दैट मीन्स यू आर एक्सर्टेड. तो जब तक मास्टरी हो जाती है ना आपको इसकी, अगर आप 2 मिनट के समय में 6 रिपीटेशन बाह्य कुंभक के करोगे ना, बाह्य कुंभक के, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन रिपीट 6 राउंड रिपीटेशन भी करोगे, बहुत हो जाते हैं. 6 राउंड फिर कितना टाइम लगेगा जलंधर बंद को रिपीटेशन में? आप 1 राउंड हार्डली, मैं समझता हूँ 20 सेकंड में पूरा राउंड कर सकते हैं. विद इन 20 सेकंड यू कैन अप्लाई द एंटायर ना, ये जो है इसके फायदे इतने ज्यादा फायदे हैं. ये स्क्रीन जो है ना कल आपको शेयर कर देंगी भावना बहन, आप सब उसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड साइनस जो है ना
ये आपके सिस्टम को सर्कुलरिटी एनर्जी एकदम अपडेट कर देता है, जिसको बीपी नहीं बढ़ेगा, गले की खराश नहीं होगी या गले में दर्द नहीं होगा, थायराइड से भी आप बच सकते हैं। तो बेसिकली योगिक प्रैक्टिस आज से सार पड़ रहा है। टॉन्सिल्स में क्या करते हैं सर, टॉन्सिल्स वगैरह में? नहीं देखो, टॉन्सिल्स में करना या नहीं करना है, कितने बड़े हुए हैं, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू इट, मतलब उसका है आप उस समय ये नहीं कर सकते हैं। योर बॉडी इज द बेस्ट जज। हमारे गुरु जी निम्बालकर जी ना हमेशा बोलते थे, आस्क योर बॉडी, आस्क योर बॉडी, आस्क योर बॉडी। पूछे सर जी ब्लड प्रेशर में कर सकते हैं क्या? आस्क योर बॉडी। सेठ सर हम इसको अस्थमा में कर सकते हैं क्या? आस्क योर बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, एनी योगिक प्रैक्टिसेस इफ यू आर एबल टू परफॉर्म मोस्ट रिलैक्सिंग वे में विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेन, विदाउट टेकिंग एनी एक्सर्शन, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। आप कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मतलब बीपी बढ़ रहा है, अनइजीनेस फील हो रहा है, तो मतलब आपको उसमें नहीं करना है। खाली पेट उसकी एक कंडीशन है। मैं भी आज कुछ भी खा के नहीं बैठा हूँ, खाता हूँ बहुत ही, जो भी खाना रहता मैं 6:30 बजे पहले खत्म करता। आज मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने 4 बार पूछा, मैंने कहा मुझे क्लास में कराना है, तो मैं जब दूसरों को लिख के भेजता हूँ तो एम्प्टी स्टमक जुड़ो, तो फिर मैं अगर खाना खा के जुड़ूंगा तो दैट इज नॉट एन आइडियलिज्म ना। ठीक है, कुछ पूछना है लास्ट क्वेश्चन? इंटरनेशनल योगा वीक चल रहा है, हमारी इंटरनेशनल योगा चल रही है इस क्लास में। मुझे पता नहीं है, तो जनरल योगा डे जानते हैं, 21 जून पे रहता है। यस, किसने सवाल पूछा था, एक प्लीज पूछिए। मैंने पूछा था कि क्या अस्थमा में भी आराम मिलता है इससे? बहन जी आपको बताता हूँ, ये बंदाज करके योगी अपनी उम्र को 200 साल तक कर लेते हैं। दिस पर्टिकुलर बंधा आपके लाइफ को लंबा कर सकता है, डेथ को, आपकी मृत्यु को आपसे दूर ले जा सकता है। इतना फायदा इन बंदाज का है, इन बंदाज का, इन बंदाज से सारी जो सिद्धियां है ना योगी लोग प्राप्त करते हैं बाय डूइंग दिस बंदाज। समझे? ये सारा जो है डिटेल में कल आपको शेयर कर दूंगा, जो भी नोट्स मैंने बताए हैं ना आपको लिखाए भी है, उसका डिटेल सारा आपको कल मिल जाएगा। अब रेफर करके इसको देख के फिर से आप अभ्यास करोगे, फिर हम मिलते हैं फ्राइडे। कल तो खैर हमारी क्लास नहीं है, बाबा की पधरामणी है, परसों फिर मिलेंगे। उसमें हम कौन सा सीखेंगे? उड़ियान बन कोई है यहाँ पर जो दिखा सकता है? कोई जेंट्स है यहाँ पर जो उड़ियान बन दिखा सकता है? उड़ियान बंद जो है ना इनका पेट बहुत पतला है ना, वही कर सकता है उड़ियान। तो मैं कोई ना कोई पिक्चर शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा। बोलो। यस भाई जी, मुझे चक्रास के बारे में पूछना था। स्वाद